अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं अपने किचन में भुने हुए मसाले की चिकन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे आधा किलो चिकन, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्च, गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च। सबसे पहले हम टमाटर और मिर्चों को ग्राइंड कर लेंगे। मिर्चों और टमाटर को ग्राइंड करने से पहले पतीले में मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने इस नीचे ऑन कर दी है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो प्याज को हम फ्राई होने के लिए रख देंगे और साथ ही फिर हम टमाटर और मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, प्याज ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम टू लो ही ऑन की हुई है। जब तक हमारी प्याज सही होती है हम टमाटर और मिर्चों को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडर में मैं मिर्चें ऐड करूंगी और साथ में टमाटर, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। 5 मिनट के अंदर प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब जो मैंने टमाटर और मिर्चें ग्राइंड किए थे वो इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और अब हम इसे कवर करके रख देंगे अच्छी तरह मसाला भूनने के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। फ्लेम हमने इसके नीचे हाई कर थोड़ा सा इसे मैश करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। जो रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की थी वो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे ऐड करके बनाई थी। ये रेसिपी चिकन की मैं मसाला भून के तैयार कर रही हूँ। फ्लेम मैंने इसके नीचे हाई कर दी है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने हाई फ्लेम पे भून लिया था। इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया अब, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम करके। पूरे आधे घंटे के लिए इसे मैंने लो फ्लेम पर रख दिया था कवर करके। अब फ्लेम मैंने इसके नीचे हाई कर दिया है। हमारा चिकन तैयार है बनके। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर धनिया कट किया हुआ थोड़ा सा ऐड करूँगी और साथ ही हम इसके ऊपर हरी मिर्च ऐड कर लेंगे।
हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।